श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा 14 जुलाई से सीहोर कुबेरेश्वर धाम में शुरू होगी। यह शिव महापुराण कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होने वाली है, जो कि 14 से 20 जुलाई तक रहेगी और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मनाया जाएगा, जिसमें गुरुजी द्वारा सभी को दीक्षा भी दी जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो में 8 जुलाई 2024 सावन के पहले आने वाले विशेष आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र के सोमवार के विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय हैं, जिन्हें आप 8 जुलाई को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं जिसमें अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो उनका फल आपको शीघ्रता में प्राप्त होता है। सबसे पहले हम आपको एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दे देते हैं, जो कि आपको इस 8 जुलाई के सोमवार को करना है। आपको 5 बेलपत्र या फिर 11 बेलपत्र या फिर 21 बेलपत्र या फिर 31 बेलपत्र को लेकर कमल पुष्प तैयार कर लेना है। कमल पुष्प कैसा तैयार करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आपको बेलपत्र की डंडियों को आपस में जोड़ते हुए एक कमल पुष्प जैसी आकृति बना लेना है। आपको उसे धागा या फिर किसी चीज़ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस वह आपकी हथेली में 5 या 11 जितने भी बेलपत्र हैं उन सभी को आपको अपनी हथेली में लेना है और ऐसे कमल पुष्प जैसी आकृति बना देना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस कमल पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप 5 कलश या फिर 7 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 कलश जल या 7 कलश जल नहीं है तो आप 1 कलश का जल ही 7 बार में करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देना है। इसके बाद आपको मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है, क्योंकि इस प्रकार से ही मनोकामना की जाती है। गुरुजी ने मनोकामना करने का यह एक तरीका बताया है, जिसमें आपको मनोकामना बोलने के पहले और मनोकामना बोलने के बाद भगवान का मंत्र का उच्चारण करना होता है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आप सोमवार प्रदोष, एकादशी या फिर शिवरात्रि, जो कि प्रत्येक माह में आती है, इन विशेष तिथियों में भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, तो आप अगर अपनी बात भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं तो गुरुजी ने कुछ विशेष तरीके बताए हैं जिनका उपयोग करते हुए आप अपनी बात भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पर अगर आप स्पर्श मात्र करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना कर लेते हैं तो वह कामना भोलेनाथ निश्चित सुनते हैं। उन्हीं स्थानों में से एक स्थान है शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का वह खाली स्थान, जो कि 64 योगिनियाँ अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियों को प्रदान होता है। और अगर उस स्थान पर आप अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए, जैसा आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं, अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए अगर आप अपनी कोई कामना भोलेनाथ से करते हैं तो वह कामना भोलेनाथ 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण कर देते हैं। अब दूसरा स्थान एक और गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा, जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, मतलब शिवलिंग का वह भाग जहाँ से शिवलिंग का जल नीचे गिरता है, अगर आप उस स्थान पर अपने हथेली का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से करते हैं तो वह कामना भी भोलेनाथ शीघ्र अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह एक विशेष उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियों में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। अगर आप इस हथेली का स्पर्श करने के बाद अगर आपके हाथ में थोड़ा सा जल आता है तो आप उस जल का आचमन भी कर सकते हैं, मतलब उस समय कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हो, या फिर आप पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, उसके बाद आप पहले तो स्पर्श कर ले, फिर उसके बाद आप उस प्राप्त किए हुए जल को आचमन नंदी के पास बैठकर भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, कितना बड़ा ही रोग क्यों ना हो गया हो, आप दवाइयाँ भी लीजिए, साथ में भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, आपको रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए या फिर अपने नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर भी कर सकते हैं। आप उस हथेली का स्पर्श अपने नेत्रों में अपने पलकों के ऊपर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार के अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी का बताया सबसे असरदार मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होती है। 5ों बेलपत्र पूर्ण होना चाहिए, मतलब उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, और यह उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आप किसी भी 5 सोमवार यह उपाय अगर करते हैं तो गुरुजी ने कहा 5 सोमवार के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आएगी।
इस उपाय को करने के लिए आप 5 बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं और अपनी किसी भी मनोकामना, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, उस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। शीघ्र विवाह की मनोकामना के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको पहली बेलपत्र को गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। पहली बेलपत्र को गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद आपको दूसरी बेलपत्र को शरणन कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को कहाँ पर अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। दूसरी बेलपत्र को कार्तिक भगवान के स्थान, जो कि शिवलिंग पर ही है, वहाँ पर अर्पित करने के बाद वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। एक कलश का ही जल आपको सभी जगह अर्पित करना है, आपको बार बार जल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको तीसरी बेलपत्र को अर्पित करना है। और तीसरी बेलपत्र को अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको एक कलश का ही जल थोड़ा सा अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र को अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र, जो आपको ठीक लगे उसका उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद चौथी बेलपत्र लेनी है, और चौथी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में, जो कटीय भाग होता है, जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, वहाँ पर आपको चौथी बेलपत्र को अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि चौथी बेलपत्र आपको कहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार करेंगे तो आपको लाभ शीघ्रता में देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं वह शिव महापुराण की कथा के अनुसार ही बताते हैं, शिव पुराण के अनुसार बताते हैं, और अगर आप वैसा ही उपाय करते हैं तो आपको फल भी अधिकता में ही प्राप्त होता है। आखिरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कहाँ पर बैठकर करना है, कैसे करना है, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने बेलपत्र को अर्पित किया है, जैसा गुरुजी ने बताया है, वैसा ही आपको करना है। और यह उपाय आप 5 सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद कलश का पूरा जल आखिरी बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आशा करते हैं आपने वीडियो के माध्यम से देखकर समझ गए होंगे कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। सभी बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से निवेदन कर सकते हैं, अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के पहले और बाद में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह उपाय आप 8 जुलाई गुप्त नवरात्र के विशेष सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भजनों की जानकारी भी देते हैं, भजनों की लिरिक्स आप तक पहुंचाते हैं, ताकि भजन देखकर पढ़कर आप भी आनंद की प्राप्ति कर सकें, तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी है, उसमें टच करके आप व्हाट्सएप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।